स्मार्ट मीटर में उठते यूनिट के आतंक को लेकर महिलाओं ने अपने घर में लगे स्मार्ट मीटर को लाकर दरवाजे पर पटक पटक कर फोड़ दिया। उन महिलाओं का, उन कंज्यूमर का, उन उपभोक्ताओं का कहना था कि स्मार्ट मीटर खराब है, पर डे हमको 100 रुपया रिचार्ज कराना पड़ता है, 50 रुपया रिचार्ज कराना पड़ता है और घर में हम ज्यादा खपत भी नहीं करते, 2 बल्ब जलाते हैं, 2 पंखा चलता है, बावजूद भी 100 रुपया 50 रुपया पर डे इसमें यूनिट उठ जाता है और हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है और हम गरीब आदमी हैं, कहां से इतना पैसा लाएंगे। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों के बीच एक सवाल खड़ा हो गया और बिजली विभाग में भी प्रश्न चिन्ह लग गया कि आखिर कैसे इतनी यूनिट उठ रही, इतना रिचार्ज करना पड़ रहा है, इतना पैसे की खपत कैसे हो रही है। बिजली विभाग के अंदर अभी भी यह सवाल घूम रहा है और लोगों की लाइनें हर दिन बिजली विभाग के गेट के सामने लगा रहता है, ऑफिस के सामने लगा रहता है कि आखिर हमारा स्मार्ट मीटर खराब क्यों लगा दिए। आतंक इतना हो गया कि गुस्से में कंज्यूमर ने अपना स्मार्ट मीटर निकालकर घर से तोड़ फोड़ कर फेंक दिया, फोड़ कर सड़क पर फेंक दिया। और लोगों का कहना था कि स्मार्ट मीटर लगाते टाइम हमसे 1000 रुपया, 500, 2000 रुपया तक लिया गया है। इससे पहले वाला ही स्मार्ट मीटर बहुत बढ़िया था, महीना में मुझे 300 रुपया 250 रुपया देना पड़ता था, वो हम गरीब आदमी हैं, बीपीएल रेखा से नीचे आते हैं, हमारे लिए वो बड़ा ही अच्छा था। लेकिन अब क्या आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है? क्या आपके भी स्मार्ट मीटर में यूज के मुताबिक ज्यादा यूनिट उठता है, ज्यादा रिचार्ज की खपत होती है? क्या पहले आपके 300 रुपया में महीना दिन काम चलता था, क्या आपको महीना में 2000 का रिचार्ज कराना पड़ रहा है, 1500 का रिचार्ज कराना पड़ रहा है या 1000 का रिचार्ज कराना पड़ रहा है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। इस वीडियो पे बात करते हैं, यह मोतिहारी जिला के सिकराना मंडल के पचपकड़ी क्षेत्र का है, जो कि महिलाओं में काफी गुस्सा देखा जा रहा है, लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है इस बात का कि स्मार्ट मीटर खराब लगाया गया। वहां के उपभोक्ताओं का कहना है, कंज्यूमर का कहना है कि स्मार्ट मीटर जो लगा है खराब लगाया गया है, पर डे 100, 150, 150 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता है, 500 का रिचार्ज करते हैं, 4 दिन 5 दिन में समाप्त हो जाता है हमारा रिचार्ज और घर में बिजली चली जाती है, कट जाती है, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम बिना बिजली का ही घर में रह लेंगे। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आया तब एक प्रश्नवाचक चिन्ह बिजली विभाग के ऊपर लगा, बिजली विभाग में काम कर रहे उन कर्मचारियों के ऊपर लगा कि यह स्मार्ट मीटर गलत है या अलग तरीके से पैसा का उगाही किया जा रहा है या सच में वह कंज्यूमर अपने घर में ज्यादा बिजली की खपत कर रही है। पहले तो हम कहेंगे, तो यह जांच का भी विषय है कि बिजली विभाग के कर्मचारी, बिजली विभाग के जेई, जो भी लोग हैं, जो भी इंजीनियर लोग हैं, इस मीटर की पहले जांच करें कि आखिर जिस घर में 300 रुपये में महीना चलता था, जिस घर में 2 बल्ब 1 पंखा और मोटर चलता है, हालांकि तो महीने में 1000, 2000, 500 का रिचार्ज भी नहीं चल पा रहा है, कुछ ही दिन में समाप्त क्यों हो जा रहा है, यह जांच का विषय है। बाकी लास्ट में आपसे सवाल रहेगा, क्या घर में आपके भी यह स्मार्ट मीटर लगा है? कौन सी कंपनी के स्मार्ट मीटर लगी है? क्या आप भी रिचार्ज करते करते परेशान हो गए हैं, थक गए हैं इस स्मार्ट मीटर के आतंक से, आप भी परेशान हैं? तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। बाकी आप सहा न्यूज देखे थे, वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।